Good morning, students. This is your English teacher, Mrs. Shalja Miglani from Indus Public School, Kathal. I welcome you all in my English class, students. As you know, that we are doing reading of lesson one, "A Tiger in the House," which is the story of a tiger cub named Timothy. Today, we will start from page number eleven, in which we will read. वट चेंज केम इन टिमोथी वैन ही बिकेम सिक्स मंथ्स ओल्ड सो लेट स्टार्ट ओफकोर्स इट नेवर केम टू दैट बट वैन टिमोथी वॉज अबाउट सिक्स मंथ्स ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम ऑफकोर्स ऐसा नहीं था कि ऐसा हो इट नेवर केम टू दैट कि ऐसा हो सकता था बट

वेन आउट फोर अ वॉक विद मी वेन एवर ही गोज फॉर ए वॉक विद मी उसने क्या करना शुरू कर दिया ही ट्राई टू स्टील अवे टू परस्यू उसने फॉलो करना बंद कर दिया टू सम पैड्डो किसी के भी पेड्डो को समटाइम्स एट नाइट वी वुड हीयर फ्रेंजाइड क्रैकिंग फ्रोम द पोर्ट्री हाउस एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फैदर्स लाइंग ऑल ओवर द वांडा समटाइम्स एट नाइट वी स्टार्टिड हियरिंग वाइल्ड एंड अनकंट्रोल्ड साउंड फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस रात को हमें पोल्ट्री हाउस था उनके घर के पास वहां से उनको आवाजें आने लग गई किस टाइप की आवाजें जो आवाजें अनकंट्रोल्ड की जा सकती थी और मॉर्निंग में उन्हें क्या मिलता था वहां पर वेनावर द गो देयर दे सो फेदर्स ओवर देयर विच वर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वाणा टिमोथी हेड टू बी चेंज द मोर ऑफन मोस्टली टिमोदी को क्या करके रखा जाता था चेन अप करके बांध कर रखा जाता था एंड फाइनली वैन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद वट लुक लाइक विलेनियस इंटेंट लेकिन फाइनली वैन ही बिगेन टू स्टॉक जब वो चुपके से स्टॉक का मीनिंग होता है कि अप्रोच स्टेल्थली मीन्स किसी जगह चुपके से पहुंच जाना विदाउट मेकिंग एनी साउंड पहुंच जाता तो कैसा लगता था वो वट लाइक विलेनियस इंटेंट विलेनियस इंटेंट का मतलब होता है कि बड़ा ही uh, अजीब सा लगता था वीग्ड ऐसा लगता था कि जैसे उसने कोई शरारत की है ग्रैंड फादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू ए जू ग्रैंड फादर ने ये डिसाइड किया कि अब टाइम हो गया है कि इसको हमें वी शुड ट्रांसफर हिम टू ए जू वी शुड टेक हिम टू अ जू रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी ही रिजर्व अ कम्पार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी नो वन वुड शेयर ए कम्पार्टमेंट विद डेम कि उसने अपने लिए भी रिजर्व की और टिमोथी के लिए भी और इस टाइप से रिजर्वेशन की कि कोई भी उसके साथ शेयर नहीं करेगा एज ए गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड सॉरी कंपार्टमेंट विद नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद हिम ग्रैंड फादर टू किम टू लखनऊ ग्रैंड फादर उसको कहाँ पर ले गए लखनऊ ले गए वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज ए गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज टाइगर मीन्स ग्रैंड फादर ने क्या किया ही रिजर्व अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द टाइगर दोनों के लिए किया रिजर्व और कहाँ पर पहुँच गए लखनऊ वहाँ पर उन्होंने जो अथॉरिटीज थी जू में दे फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर रिसीविंग सच अ वेल फ्रेंडली एंड सिविलाईज टाइगर उनको जब वो टाइगर मिल गया तो उस टाइगर को देख जो अथॉरिटीज थी जू में वो बहुत ज्यादा खुश हो गई अबाउट सिक्स मंथस लेटर वेन माई ग्रैंड पेरेंट्स विलेटिव इन लखनऊ सिक्स मंथ्स के बाद जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स विजिट के लिए गए रिलेटिव्स के पास लखनऊ में ग्रैंड फादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द ज़ू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग अ ग्रैंडफादर ग्रैंड फ़ादर को अपॉर्चुनिटी मिल गई मीन्स चांस मिल गया टू मीट द ज़ू अथॉरिटीज़ वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ की जो लोग थे जो उसको अच्छे से केयर कर रहे थे उसकी ज़ू की उनसे मिलने का मौका मिल गया ग्रैंड फादर ने क्या किया फिर आई वॉज नॉट देयर टू कंपनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट वैन आई रिटर्न टू डेहरा तो ग्रैंड क्या करना चाहते थे वो मिलना चाहते थे उन अथॉरिटीज uh, से और उनसे मिलकर uh, टिमोथी के बारे में जानना चाहते थे सो so, उन्होंने क्या किया आई वॉज नॉट देयर टू अ कंपनी ही मैं वहाँ नहीं था ए कंपनी करने के लिए उनके साथ बट मुझे वो सब कुछ पता लगा वैन ही केम बैक टू डेहरा आई टॉक टू हिम आई एंड आई केम टू नो ऑल अबाउट जू जब वो वापिस आए और मैंने उनसे सारी बात की तो मुझे जू के बारे में उनसे सब कुछ पता लग गया जू ग्रैंड जू पहुंचने के बाद ग्रैंड फादर कहा गए स्ट्रेटली ही टू दज वेर एवर ही होता है कि जहां पर टिमोथी को रखा गया था वहां पर उस केज के पास वो पहुंच गए द टाइगर वॉज देयर क्राउस्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विद ए मैग्नीफिसेंट स्ट्राइप्ड कॉट जो टाइगर था वो कैसा था वहाँ पर ही वॉज सिटिंग बैंडिंग हिज लेग्स क्राउस्ड का मीनिंग होता है कि वो अपनी लेग्स को बैंड करके बैठा हुआ था क्राउड का मीनिंग होता है कि जो टाइगर है वो अपनी लेग्स को बेंड करके बैठा हुआ था फुल ग्रोन अब वो अच्छा बिग हो चुका था एंड विद ए स्ट्राइप्ड कोट और उसकी जो स्किन थी उसके ऊपर बड़ी सुंदर स्ट्राइप्ड कोट का मीनिंग होता है लेयर्स बनी हुई थी हेलो टिमोथी सेट ग्रैंड फादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्थ ऑफ द केज जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने टिमोथी को हेलो बोला और अपनी जो आर्म्स थी बार केज के अंदर डाल दी सी एट दिस पिक्चर कि कैसे कर रहे हैं फादर ने अपनी जो आर्म्स हैं वो टिमोथी के पास केज में डाल दी थी द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड द्रैंड फादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड जो टाइगर था उसने भी क्या किया वो बिल्कुल उसके बार के पास पहुंच गया और जो ग्रैंड फादर थे उनको अलो कर दिया अपनी बाजुएं उसके हेड के चारों ओर डालने के लिए ग्रैंड फादर स्ट्रॉप द टाइगर फोर हैड ग्रैंड फादर ने क्या किया स्ट्रोक द टाइगर फोर हैड उसके जो फोर हैड था उसको बड़े प्यार से सहलाया एंड टिकल्ड इज ईयर्स टिकल्ड का मीनिंग होता है टू टच लाइटली और बड़े लाइटली से उसके ईयर्स को टच किया और वेनवर ही ग्रोल्ड और जब उसने ग्रोल किया मीन्स लो नॉइज किया स्मैक्ड हिम अक्रोस द माउथ और बड़े ही प्यार से उसको टू हिट समबडी स्मैक्ट का मीनिंग होता है टू हिट समी वेरी सॉफ्टली उसको बड़े प्यार से चपत लगाई जैसे होता है ना बड़े प्यार से किसी को हल्का सा स्लैप करना वैसे उसको चपत लगाई विच वॉस इज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट जो उसका बड़ा पुराना मैथड था टाइगर uh, को क्वाइट रखने के लिए उसको शांत रखने के लिए टिमोथी लीग ग्रैंड फादर्स हैंड टिमोथी मूवड हिस्टंग अराउंड द हैंडज ऑफ ग्रैंड फादर एंड ओनली स्प्रेंग अवे वैन ए लेपड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ड एट हिम और बड़े प्यार से जंप लगाया जबकि कब वैन जो टाइगर था उसके नेक्स्ट केज में ही मेड एन एंग्री साउंड एट हिम ठीक है ग्रैंड फादर शूड द लेपड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लीक हीज हैंड्स ग्रैंड फादर ने वंस अगेन क्या किया शूड मीन्स शूड का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग गो अवे बाय वेविंग हैंड्स जैसे बड़े अपने हैंड्स को वेव करके किसी को जाते हुए बोलते हैं ना तो उस तरीके से उन्होंने लेपड़ के साथ किया और टाइगर फिर क्या करने लगा अगेन स्टार्टड लिकिंग हिज हैंड्स मीन्स ही स्टार्टिड मूविंग हिज टंग अराउंड हिज हैंड्स बट एवरी नाउ एंड देन द लेपड़ वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर लाइक ए नंबर ऑफ पीपल हैदर्ड टू वॉच द री यूनियन वेन ए कीपर पुस्ट हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क ग्रैंड फादर वट ही वॉज डूइंग ए नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड देयर वहाँ इकट्ठे हो गए एंड दे वॉन्टेड टू सी द रीयूनियन मीन्स री यूनियन का मीनिंग होता है कि काफी समय के बाद जब कोई किसी को मिलता है तो उनकी री यूनियन को देखने के लिए लोग इकट्ठे हो गए वट किस तरीक की ग्रैंड फादर वहाँ क्या कर रहे थे आई एम टॉकिंग टू टिमोती ट ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर ने कहा कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ वी आर नोट वी वर नोट यू हेयर वैन आई गेव हिम टू द जू सिक्स मंथ्स एगो जब मैंने सिक्स uh, मंथ्स पहले वैन आई टूक हिम ओवर हेयर यू वर नोट हेयर आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग सेट द सरप्राइज कीपर जो उसकी देखभाल करता था ना कीपर टिमोथी की ही सेट की श्योरली मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से नहीं हूँ प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन अपनी कन्वर्सेशन बातचीत को कंटिन्यू रखो बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ बट मैंने इसको कभी भी आज तक टच नहीं किया है एज ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड क्योंकि हमेशा ही किस में रहता है बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है वाई डोंट यू वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर ने सजेस्ट किया सुझाव दिया एडवाइज दिया कि तुम इसे किसी और प्लेस पे क्यों नहीं रखते दैट लैपड कीप्स फ्राइटनिंग हिम कि वो जो नेक्स्ट केज में लेपर्ड है वो इसको डराता है आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट कि आई आई विल गो एंड वॉन्ट टू टॉक टू सुपरिटेंडेंट मैं सुपरिनटेंडेंट से इसके रिगार्डिंग बात करूंगा ग्रैंड फादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिन्टेंडेंट ऑफ द जू और ग्रैंड फादर जो थे जू के सुपरिटेंडेंट की सर्च में चले गए बट फाउंड दैट ही हैड होम अर्ली बट उन्होंने क्या पाया कि वो जल्दी ही घर जा चुका था एंड सो so, uh, आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटल वाइल्ड और जू में घूमने के बाद इधर वंडरिंग का मतलब होता है मूविंग अबाउट द जू फॉर ए लिटल वाइल्ड थोड़ी देर मूव करने के बाद ही रिटर्न टू टिमो केज टू से गुड बाय केम बैक टू टू मोदी स्केज वंस अगेन टू सेम गुड बाय उसको गुड बाय करने के लिए अगेन आ गए इट वॉज बिगिनिंग टू डार्क गेट डार्क अंधेरा होने लगा था ही हैट बीन स्ट्रॉकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट फाइव मिनट फाइव मिनट्स वो अपने हैंड्स को बड़ी जेंटली मूव कर रहे थे टिमोथी के ऊपर और बड़े प्यार से उसको स्लैप लगा रहे थे फाइव मिनट्स के लिए वैन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विथ सम अलार्म वैन अवर दैन ही फाउंड दैट समर कीपर जो एक और कीपर था जो देखभाल करते थे इनकी वगैरह और अदर एनिमल्स की ही ऑब्जर्विंग ध्यान से देख रहा था ग्रैंड रिकोगनाइज हिम एज द कीपर हु हैड हैड बीन देयर टिमोथी फर्स्ट कम टू द जू ग्रैंड फादर ने क्या, क्या, क्या किया आइडेंटिफाइड किया रिकोगनाइज किया एज द कीपर हु हैड बीन देयर वेन टू द जू जब टिमोथी को वो फर्स्ट टाइम छोड़ने के लिए आए थे तो उस कीपर को उन्होंने बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया और उसको फाई किया पहचान लिया यू रिमेंबर मी ने कहा क्या तुम मुझे जानते हो नो वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम केज अवेड लैपड तुम टिमोथी को इस टुपिड से अलग किसी दूसरी केज में क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते बट सर स्टेमड द कीपर स्टेम का मीनिंग होता है हकलाना मीन्स होता है इट इज नॉट यूर टाइगर ये आपका टाइगर नहीं है आई नो आई नो सेट ग्रैंड फादर देर इज नो नो आई रियलाइज ही इज़ नो लोंगर माइंड मैं जानता हूँ कि ही इज़ नॉट लोंगर माइंड बट यू माइट एट लीस्ट टेक ए सजेशन और टू फ्रॉम मी बट तुम मुझसे कोई ना कोई सजेशन तो ले ही सकते हो आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेट द कीपर कीपर ने कहा कि मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ ही डाई टू मंथ्स एगो उसकी टू मंथ्स पहले डेथ हो गई है डाइड एक्सट्रीम ग्रैंडफादर एकदम वो हैरान हो गए एक्सट्रीम का मतलब होता है सरप्राइज हो गए यस सर ऑफ निमोनिया उसको निमोनिया हो गया था द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड का मीनिंग होता है कॉट इन हिल्स लास्ट मंथ एगो और इट इज़ वेरी डेंजरस ग्रैंड फादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से ही कूडेंट से एनी थिंग दट टाइगर व स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रैलिश और टाइगर जो है वो स्टिल मूविंग इज टंगाउंड हिज हैंड्स और उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था ग्रैंड फादर टुक वट सीम्ड टू हिम

मतलब स्कॉनफुल लुक का मीनिंग होता है विद नो रिस्पेक्ट इस तरीके से देखा जैसे कि ही हैज़ नो रिस्पेक्ट टू हिम एंड वॉकड फास्ट आउट ऑफ द जू और जू से बाहर हो गए आई थिंक स्टूडेंट दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू रीड द स्टोरी अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग विद पेंसिल इन योर बुक थैंक यू हैव अ ग्रेट डे